एक बार एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में चार लोग थे, पिता रमेश, माँ कविता, बेटी सिया और बेटा विवेक। रमेश एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे और कविता एक गृहिणी। उनका परिवार बहुत स्नेही और एकजुट था, जहां हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया जाता था। रमेश और कविता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनका मानना था कि परिवार की नींव प्यार और समझदारी पर आधारित होनी चाहिए। सिया और विवेक भी अपने माता पिता की हर बात का आदर करते थे और अपने परिवार के प्रति समर्पित थे। सिया बड़ी थी, कॉलेज में पढ़ रही थी और उसका सपना था कि वह एक डॉक्टर बने। विवेक अभी स्कूल में था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसका झुकाव खेलों की ओर था। समय बीतता गया और परिवार अपनी साधारण लेकिन सुखमय जिंदगी जी रहा था। एक दिन रमेश के दफ्तर से खबर आई कि उन्हें किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर किया जा रहा है। यह खबर परिवार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी, क्योंकि रमेश ने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने शहर को नहीं छोड़ा था। वहीं सिया और विवेक के स्कूल और कॉलेज भी यहीं थे। रमेश ने सोचा कि वह अकेले ही नए शहर चला जाएगा और परिवार यहीं रहेगा, लेकिन कविता ने इसका विरोध किया। उसने कहा, हम परिवार हैं और हमें हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। कविता के इस विचार से परिवार में एकजुटता की भावना और बढ़ गई। सिया और विवेक ने भी अपनी माँ का समर्थन किया। वे सब साथ में नए शहर जाने के लिए तैयार हो गए। नए शहर में पहुंचकर परिवार ने शुरुआत में कुछ कठिनाइयों का सामना किया। नया माहौल, नए लोग और नई परिस्थितियों ने उन्हें थोड़ा परेशान किया, लेकिन उनका साथ और प्यार उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। रमेश को अपने नए काम में भी कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन कविता ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली, जिससे रमेश को काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। सिया ने भी नए शहर में एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। विवेक को अपने स्कूल में नए दोस्त बनाने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे वह भी स्कूल में खेलों और पढ़ाई में अच्छा करने लगा। समय बीतता गया और परिवार ने इस नए शहर को अपना घर बना लिया। सिया ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और डॉक्टर बन गए। विवेक भी अपने खेल और पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगा। रमेश और कविता अपने बच्चों की सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि परिवार की एकता और आपसी सहयोग ही हर मुश्किल का हल है। एक दिन सिया ने अपने माता पिता से कहा, अगर आप लोगों ने उस समय हमें साथ न रखा होता तो शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाती। आप लोगों ने हमें सिखाया कि परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत है। विवेक ने भी कहा, माँ पापा, आप दोनों ने हमें जो सिखाया है वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। इस तरह रमेश, कविता, सिया और विवेक का परिवार एक मिसाल बन गया कि प्यार, समझदारी और एकता के साथ कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। उनके परिवार की कहानी शहर भर में फैल गई और लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे। कहानी का संदेश यही था कि परिवार का साथ और स्नेह ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर परिवार एकजुट हो तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है और खुशहाली बनी रह सकती है।